नवरात्रि पर निबंध। नवरात्रि भारतीयों का एक मुख्य त्योहार है। नवरात्रि शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नौ रातें। नवरात्रि में नौ दिनों तक माता के नौ रूपों की पूजा की जाती है। दसवां दिन दशहरा मनाया जाता है। यह त्यौहार सितंबर अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा और गुजरात में डांडिया या गरबा के नाम से मनाया जाता है। देवियों के नाम हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमंडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी। दुर्गा पूजा में बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं। भक्तों की भारी भीड़ माँ दुर्गा की झलक लेने के लिए पंडाल और मंदिरों में जाते हैं। लोग देवी दुर्गा की मूर्ति पूजन सुबह और शाम करते हैं। शारदीय नवरात्रि पर्व के दौरान लोग अपने घरों में दुर्गा पाठ करते हैं, जहां वे देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि के दौरान भक्त पूरे नौ दिनों तक उपवास करते हैं। वह केवल फल और सात्विक आहार लेते हैं। नवरात्रि दानव महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत के रूप में मनाया जाता है। माँ दुर्गा ने इन नौ दिनों के दौरान राक्षस महिषासुर से युद्ध किया था और अंत में उसका वध कर दिया था। नवरात्रि भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे इस त्यौहार का सालों भर इंतजार करते हैं, क्योंकि वह इस त्यौहार को बड़े ही मजे से मनाते हैं। यह त्यौहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।